अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फाजल बट है। आज मैं तुहाडे नाल दोबारा कोरोना वायरस के मुतलक एक दो गल्लां करना चाहना। जिस तरह तुहानू पता है कोरोना वायरस के केस दोबारा वध रहे हैं, खास करके साडे एशियन कम्यूनिटी दे विच, ते मुसलमानां ते वी इहदा असर पै रहा। ऐत की खैर नाल ईद आ रही है, तो असी इस ईद ते अपना अपने घर वालों का खास करके अपनी कम्यूनिटी का ध्यान रखना। जे तुसी ईद की नमाज पढ़न जाना मस्जिद, तुसी मस्जिद जाने तो पहले मस्जिद के असूल उन्होंने रूल्स पता करके उन्होंने मुताबिक जाओ। जे तुसी घरों बाहर जाते हो मस्जिद या किसी दुकान पर या बसों पर, अपने मास्क जरूर पा के जाओ। मस्जिद जाके जो कोई ऐसे शख्स ने जो तुहाडे घर दे विच नहीं रहिंदे, उन्होंने तुसी गले ना मिलो, उन्होंने हाथ ना मिलाओ। मस्जिद बाद जो घर आओगे तुसी अपने फैमिली दे विच मिलोगे, ज़्यादा तादाद विच मिलने की कोशिश ना करना। जे हो सकते घर तो बाहर मिलो, मसलन गार्डन विच जिथे जरा हवा होएगी, ताज़ी हवा, इस तरह भी जरासीम घट फैलनगे। तुसी सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इहदा मतलब कि तुसी कम से कम 2 मीटर का फासला जिथे हो सके एक दूसरे दे नाल रखो। तुसी बार बार हाथ धोने ने, 20 सैकेंड वास्ते साबन दे नाल, सारा दिन तुसी मुसलसल हाथ धोते रहो। जे तुसी खुद बीमार हो जाते हो, मसलन तुहानू बुखार चढ़दा या कोई खांसी आती है या साह उखड़दा या कोई भी ऐसी बीमारी होवे, तुसी अपने आप नू अपने घर विच रखो। तुसी ना किसी दे घर जाओ, ना किसी मेहमान नू अपने घर च बुलाओ, इस तरह भी जरासीम घट फैलनगे। जिस तरह सानू पता है एक इंसान की जान बचानी पूरे इंसानियत जान बचाने के बराबर है। इस ईद ते तुसी अपना ते अपने घर वालों का ध्यान रखना। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।